नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट, मैं हूं रंजना। राजभवन में आज जामा विधायक सीता सोरेन राज्यपाल से मिलने पहुंची थी। जामा विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अधिकारी इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन में भी ये पिछले वर्ष आवाज उठाई थी अपनी मांगों को लेकर, और इस बार भी बजट सत्र के दौरान अपनी मांगों को इन्होंने रखा था, लेकिन इनका कोई सुन नहीं रहा। सुनिए जामा विधायक सीता सोरेन क्या मीडिया से बात कर रही हैं। जिस तरह से झारखंड में चल रही है, जिस तरह से भूमि लूट, पूरा लूट पाट मचा हुआ है चारों तरफ झारखंड में, और हमारी सरकार है, उनको भी हम संज्ञान में दिए हुए हैं। आप कितना आगे का दिन में कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, जिस तरह से गुरुजी बाबा और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी झारखंड अलग राज्य के लिए इतने सालों तक संघर्ष करते रहे और अलग राज्य बना, उनका मकसद था कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी मूलवासी शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग का विकास हो, लेकिन लंबी इंतजार करने के बाद भी आज तक हम लोग को जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिला। आज हम देख रहे हैं भूमि की लूट हो रही है, कितनी संख्या में जो है कि दलाल के माध्यम से CNT एक्ट के जमीन को बेची जा रही है। यहाँ पर जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और आज जब हम देख रहे हैं कि वन भूमि को भी अतिक्रमण किया जा रहा है। जब मेरे संज्ञान में आया चतरा में जो है कि CCL कंपनी के द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से रास्ता बना हुआ है, और जब इस मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा में भी अपना प्रश्न को रखें, ध्यान आकर्षण के माध्यम से तारांकित के माध्यम से पूरे तरह से संतुष्टि जवाब हमको बिल्कुल भी नहीं मिले, विधानसभा को भी गुमराह किया गया। इस पर हम CM से भी वार्तालाप किए, जो है कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर वन विभाग के जो पदाधिकारी है, जो कि कई वर्षों से CCL को संरक्षण दे करके उस रास्ता को बनाया गया, लेकिन आप तक सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं कि कार्रवाई कराएंगे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे। राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल पूरे आश्वासन दिए, इस पर जांच करवाएंगे अपने स्तर से, और जो वाजिब होगा करेंगे। आरोप लग रहा है सरकार गिराने के साथ, आप लोग जिस तरह से बात के लगातार अपने क्षेत्र की समस्या उठा रहे हैं, आप हो गए लोबिंदा हो गए, लगातार जिस तरह से आप लोग समस्या उठा रहे हैं, आप लोगों पर सरकार गिराने तक के आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जन मुद्दा को जब हम ला रहे हैं पूरे सच्चाई से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके साजिश के तो एक तो हम कहेंगे कि फंसाने का ही काम कर दे रहे हैं, हमको मेरे जो जुबान है वो हम अपना बोलना बंद कर दे, शांत हो जाए, इसीलिए ये साजिश है और बेबुनियाद है। ये किसी तरह से हम ना भाजपा से मिले हुए हैं और ना इस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। हम विधायक बने हैं तो जन मुद्दा को हम लेकर के आ रहे हैं, उनका समाधान हो, कार्रवाई हो। आपकी अपनी पार्टी है, आपके पति ने जीत कर इस पार्टी को बनाया, लगातार ये बात आप कहती रही हैं, कहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कहाँ दिक्कत हो रहा है कि मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पा रही है, क्या सुप्रीमो जो जेएमएम सुप्रीमो से बात नहीं हो पा रही है, पार्टी के विधायक क्यों आपको नहीं अपना पा रहे हैं और क्यों आपके खिलाफ इस तरीके का फिर आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं देखिए, दबे जुबान से अगर कुछ कह रहे हैं तो, लेकिन सामने तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कहाँ चिट्ठी है, किस पर लिखे हैं, कौन सा चिट्ठी पर साइन किए हैं, ये तो अभी तक किसी ने देखा नहीं। सच क्या है, सच्चाई क्या है, आखिर वो चार विधायक है कि कोई विधायक ही नहीं है, तो ये तो कोई प्रूफ है ही नहीं, हवा हवाई बात है। लोबिन हेमरन आंदोलन करने जा रहा है, कितना समर्थन है? वो अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सब कोई अपना अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो
पार्टी बीजेपी वाक्य चल रहे हैं, ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष दोनों अचानक से दिल्ली दौरे पे चले जाते हैं और टूर पे जाते हैं, फैमिली टूर। वो तो हम नहीं जानते हैं कहाँ गए हैं। सीता जी, ये बीजेपी से बीजेपी में जाने तोड़ने के लिए उनको ले जाया जा रहा है ताकि जो विधायक उनसे भेंट ना कर पाए, जो पार्टी के कार्यकर्ता वो समस्याओं को ना रख पाए, कैसा? आप पता नहीं क्या है, उतना तो गहराई में हम नहीं जा सक रहे। मैडम, आज के तारीख में आप ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट है, सभी विधायक एकजुट हैं और सरकार के साथ हैं? आप देखिए, साथ तो है, सबको साथ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकजुट नहीं है, लेकिन सब परेशान भी है अंदर से, सब मजबूर भी है, साथ होकर के भी सब मजबूर है। सभी मजबूर है, मजबूरी कैसे, सभी मजबूर है, आप देख ही रहे हैं, मजबूर होकर के सब कोई चल रहे हैं, सारे लोग मजबूर हैं, सारे मजबूर हैं। सीता सोरेन भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ। तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना, मीडिया कर्मियों के द्वारा जब सवाल पूछा गया कि क्या आपका बीजेपी से कोई साठगांठ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई साठगांठ किसी से नहीं है, कार्य हो नहीं पा रहा है, मैं राजभवन अपने कार्य को लेकर आई हूँ, जनता के हित में अपनी मांगों को लेकर राजभवन पहुँची हूँ, तो कोई आरोप नहीं मिल रहा है, तो मेरी जुबान को दबाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।